सतना जिले में कोरियर सर्विस की आड़ में नशे की खेप की तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए मैहर पुलिस ने 12 लाख रुपए से अधिक के नशीले सिरप जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशीले सिरप के इस काले कारोबार का भोपाल कनेक्शन भी सामने आया है। मैहर थाना पुलिस ने कोरियर कंपनी के वाहन में नशे की खेप लेकर जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 12,24,000 रुपए अनुमानित कीमत की 60 पेटियों में बंद 7200 शीशी नशीले सिरप ऑनरेक्स जब्त की है। आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं और वे नशे की एक खेप लेकर भोपाल से ही आ रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में कमल साहू निवासी ग्राम कलारा थाना गुनगा हाल शिवनगर यादव मैरिज गार्डन के पास थाना छोला भोपाल, 42 वर्षीय सोमचंद्र वंशकार निवासी ग्राम मैना थाना आष्टा जिला सीहोर और 30 वर्षीय नरेश साहू निवासी जीनेस विद्यालय के सामने विदिशा शामिल हैं। टीआई अनिमेश गौतम ने बताया कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र गौतम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आकाश सिटी सर्विस लिखे कोरियर कंपनी के एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में नशीली सिरप लोड कर मैहर की तरफ ले जाई जा रही है। सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ कटनी मोड़ पर नाकाबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने वाहन को सतना रोड पर तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनका पीछा किया और जीत नगर के पास ट्रैफिक जाम होने के कारण आरोपियों का वाहन रुक गया, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 60 पेटियों में 7200 शीशी नशीली सिरप रखी मिली। पेटियां सफेद बोरी में पैक थीं ताकि देखकर उसे कोरियर का सामान समझा जाए। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद नशे के इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।